हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान साधना नीट फाउंडेशन। लास्ट टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। पिछली बार हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, द लिविंग साइंस, साइंस ऑफ बायोलॉजी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस, इसके बारे में हमने देखा था। हम जहाँ भी नज़र घुमाते हैं हमारी प्रकृति की तरफ, हर तरफ हमें लाइफ साइंस ही नज़र आता है। सो दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑलरेडी वी डिस्कस, ओके, माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर, वराइटी ऑफ एनिमल्स आर देयर एंड वी कॉल देम एज एन बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ टूडे वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलरेडी वी डिस्कस लास्ट टाइम टू हुम वी कॉल्ड एज एन लिविंग थिंग। तो मैंने हमें तो पिछली बार हमने देखा था कि क्या क्या है लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ऑल लिविंग बींग्स शोज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बट एज बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, देर आर सो मेनी एक्सेप्शंस के, मतलब बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा है ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ? व्हेन अ नंबर न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल इन्हांसमेंट इन द ऑब्जेक्ट इज टर्म एज एन ग्रोथ, इट मीन्स दैट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बाय देयर नंबर ऑफ सेल्स एंड बाय देयर सेलुलर मास। ओके, मतलब अगर किसी की ग्रोथ होती है तो उसके अंदर सेलुलर मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, मतलब ये उसकी ग्रोथ हो रही है। सो इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो हम ग्रोथ को इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अबाउट दिस कंसेप्ट वी डिस्कस लेटर ऑन। इन शॉर्ट, पहले हम ये जानेंगे एनाबॉलिज्म, जहाँ पे एक वर्ड आता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म मीन्स एनर्जी कंस्ट्रक्शन। जैसे आप जो खा रहे हो तो उससे आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट यूटिलाइज फॉर योर ग्रोथ। मतलब जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी से हमारी ग्रोथ होती है, सेलुलर मास बढ़ जाता है, सेल डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी ब्रेक डाउन। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे हम काम करते हैं तो एनर्जी लगती है, वापस भूख लगती है हम, तो कैटाबॉलिज्म से एनर्जी ब्रेक डाउन होती है। पर जब एनाबॉलिज्म का रेट, एनर्जी बढ़ने का रेट ज़्यादा रहेगा देन कैटाबॉलिज्म, दैट टाइम ग्रोथ टेक्स प्लेस। मतलब समझो, अगर किसी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे ये डॉगी है, अगर इसको अच्छे से खाना मिलेगा तो इसकी ग्रोथ होगी, पर अगर नहीं मिलेगा, एनाबॉलिज्म अगर इसका स्टॉप हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाएगा, एनर्जी उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा है और उससे कम उसको फूड मिल रहा है, एनाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। वो जितना है मतलब सिकुड़ जाएगा, वो आपने देखा होगा, उसकी ग्रोथ नहीं, हेल्दी नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो ग्रोथ होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनाबॉलिज्म का रेट अगर ज़्यादा रहता है कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होती है, अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो डीग्रोथ हो सकती है। गॉट द पॉइंट? तो सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। ओके, अल्दो ग्रोथ इज ऑल्सो नोटिस इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, नॉन लिविंग की भी ग्रोथ होती है। तो आप कहेंगे सर कैसा होता है, नॉन लिविंग की ग्रोथ कैसी होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ। मतलब नॉन लिविंग की अगर ग्रोथ होती तो एक्सट्रिंसिक टाइप होती है। एक्सट्रिंसिक मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर मैंने आपको लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया था कि अगर जो सॉइल के पार्टिकल्स अगर बाहर से आकर गिरते हैं तो ये क्या होगा, ये जो हीप है, कचरे का कूड़ा है, वो उसकी ग्रोथ होती रहेगी, माउंटेन्स बन रहे हैं, सैंड पार्टिकल्स अगर समझो उसके ऊपर जमा हो रही है तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है। बट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ लाइक माउंटेन, बोल्डर्स, हीप ऑफ गार्बेज, इट इंक्रीजेस इट्स साइज, ग्रोथ टेक्स प्लेस, बट इट इज़ एन एक्सटर्नल टाइप ऑफ ग्रोथ, बाहर से हो रही वो। बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज ऑलवेज इंटरनल। मतलब फर्क क्या है, ग्रोथ लिविंग की अगर होती, जैसे यहाँ पे ये लिविंग है, इसकी ग्रोथ होती है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल बढ़ रहे हैं,
ओके, सेलुलर मास बढ़ रहा है, सो दैट इज एन इंटरनल ग्रोथ एंड हियर एज एन एक्सटर्नल ग्रोथ. सो ये एक्सेप्शन है ग्रोथ, सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग. तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ग्रोथ इज नॉट, यहां पे नॉट बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग, म्हणजे याला आपण मेन प्रॉपर्टी नाही म्हणू शकत, कारण नॉन लिविंगचा पण ग्रोथ होते. ओके, एंड डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो, और जो मर जाते हैं उनकी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती, सेल नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कंक्लूजन, द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग इज एक्सट्रिंसिक एंड लिविंग इज इंट्रिंसिक, ये एक फर्क याद रखो. देन थर्ड कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इनडेफिनाइट एंड दैट ऑफ एनिमल इज डेफिनाइट. अब देखो, प्लांट की अगर ग्रोथ होती है तो वो जिंदगी भर चलती रहती है. मतलब कैसे, जैसे कि अगर प्लांट बढ़ रहा है तो इसके ब्रांचेस बढ़ रही है लाइक दिस. ओके, तो अगर इसके ब्रांचेस बढ़ रहे तो इसकी ग्रोथ कैसे इनडेफिनाइट है, पर लिविंग की कैसे डेफिनेट है, उनका एक प्रॉपर शेप होता है. अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो छोटा सा बच्चा है इसका एक प्रॉपर शेप है. ओके, पर इसे कभी शेप नहीं रह सकता, ये इनडिफिनाइट है, किसी भी डायरेक्शन से जाती. ओके, तो ये एक हम कंक्लूजन निकाल सकते ग्रोथ का. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन सबको पता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक लिविंग को जन्म देता है. ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, और जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग, नई जनरेशन होती है, वो अपने पेरेंट के जैसी सिमिलर होती है. कभी ऐसा हुआ है कि डॉगी का बच्चा कैट की तरह हो गया है? नहीं, वो तो उसी के जैसा होगा, पेरेंट के जैसा. सो रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं, मे बी असेक्सुअल और सेक्सुअल इन टाइप. अब आप कहेंगे सर असेक्सुअल सेक्सुअल क्या है, तो ये हम और डिटेल में देखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर. जैसे कि गैमेट अगर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर एनिमल. पर असेक्सुअल से विदाउट पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, डायरेक्ट बाय बडिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, सो मेनी असेक्सुअल टाइप्स आर देयर. तो जनरली जो यूनिसेल्युलर होते ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक का मतलब बैक्टीरिया जैसे विदाउट ट्रू न्यूक्लियस वाले, या फिर यूकैरियोटिक जिनको ट्रू न्यूक्लियस है वो. अब देखो सेल के ऊपर हम ये पॉइंट और डिटेल में डिस्कस करेंगे, देयर इज अ स्पेशल चैप्टर ऑन दिस सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में उनके अंदर भी सेम होगा. ओके, बट रिप्रोडक्शन को भी एक एक्सेप्शन है. ओके, देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर रिप्रोडक्शन इज ऑलटुगेदर अब्सेन, दे कैनॉट रिप्रोड्यूस. अब आप कहेंगे सर कौन से है ऐसे एनिमल जो लिविंग होने के बावजूद भी उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड स्टराइल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल म्यूल, खेचर, हाइब्रिड्स, बी वर्कर्स, हनीबी के अंदर जो होते हैं ना वर्कर बी, वो तो ये कैसे स्टराइल, देर आर सो मेनी एनिमल्स दीज आर कॉल्ड एज एन हाइब्रिड्स और स्टराइल एनिमल. नाउ लुक एट दिस, नाउ सी हियर, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको हिन्नी का. हिन्नी क्या है, तो जैसे एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स, इन दोनों का अगर हम फर्टिलाइजेशन कर देंगे आर्टिफिशियल, या फिर दोनों का अगर मैरिज हो जाता है, मतलब मेल डोंकी जिसको आप गधा बोलते हैं और फीमेल हॉर्स, दोनों का अगर क्या हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा, तो जो पैदा होगा वो क्या रहेगा, म्यूल होगा. हिन्नी एक नाम दिया है. अब यहाँ पे देखो इसके सर को देखो, ये थोड़ा हाइब्रिड तरह दिखता है, दोनों की कैरेक्टर्स इसमें है, हॉर्स के और भी डोंकी के. ठीक है, तो हिन्नी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, म्यूल भी एक एग्जाम्पल है. ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, अगर हम मेल टाइगर और फीमेल लॉयन इनको क्रॉस करेंगे, देखो मेल टाइगर ये साइन आप हमेशा के लिए याद रखो, अब बार बार मैं ये साइन ड्रा करते जाऊँगा, दिस इज कॉल्ड एज एन मेल साइन. ओके,
अब आप कहेंगे ये साइन का मतलब क्या है और ये साइन का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड फीमेल साइन। अब देखो बायोलॉजी में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊंगा कि ये साइन का मतलब है कि जैसे आपने अलेक्जेंडर फिल्म देखी होंगी या फिर बाहुबली देखी होंगी, तो जो सोल्जर्स होते हैं उनके हाथ में हमेशा एक ढाल होती है। आपले शिवाजी महाराजांचे मावळे बघा, त्यांच्या हातामध्ये पण असा एक ढाल असायचा, शील्ड, इस तरह से शील्ड रहती थी, और हाथ में उनके एक ऐसे स्पीयर मतलब भाला रहता था, ठीक है। तो वो जो सैनिक ऐसे खड़े रहते थे, एक हाथ में भाला और एक हाथ में अपना शील्ड, तो ये साइन उसी की है मेल, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक मेल ही होते थे। तो देखो ये शील्ड ढाल और ये इनका स्पीयर भाला, तो ये हो गए साइन मेल की। अब आप कहेंगे फीमेल की क्या है, अब फीमेल जो है जैसे रानी एलिजाबेथ, क्वींस है, हर अभी देखो इसमें एक्सेप्शन भी है कि ज़्यादातर फीमेल के हाथ में क्या होता था वहाँ उस ज़माने में, आज भी है, एक मिरर होता था। देखो मेल तलवार और ढाल के साथ खेलते थे और फीमेल मिरर के साथ, मतलब ये आईना था, अरसा, ये आईना और ये उसका था हैंडल, तो ऐसे पकड़ के वो मेकअप करते थे। आजकल ऐसे छोटे छोटे मिरर बन गए, पर्स में रखते, उस ज़माने में ऐसे हैंडल वाले मिरर थे, ओके। तो इसीलिए ये साइन बन गए फीमेल की। तो यहाँ मुझे कहने का मतलब था कि अगर समझो ये मेल टाइगर हमने लिया और फीमेल लॉयन लिया, मुझे वाघ यानी सिंह सिंहिन है ना, तो यांचा जर आपण हायब्रिडायझेशन केला तर टायगॉन तयार होणार। टायगॉन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला, इसका सर देखो ये लॉयन की तरह है फीमेल, और बॉडी देखो बॉडी टाइगर की तरह है, इसके बॉडी के ऊपर ऐसे बैंड्स है टाइगर की तरह, मतलब ये हो गया हाइब्रिड टाइगॉन, ओके। देखो टाइगर का लिया टी आई और लाइन के लिया ऑन टाइगॉन, उसी तरह लाइगर, लाइगर भी एक बन गया था लाइगर, लॉयन और टाइगर, लाइगॉन टाइगॉन, ओके। ये देखो लाइगर मेल लाइन लिया, अब हमने अपोजिट किया, क्रॉस किया, मेल लाइन लिया और फीमेल टाइगर लिया, इन दोनों को अगर हम हाइब्रिड कर देंगे तो इस तरह से बनेगा। इसकी बॉडी देखो लॉयन की तरह बड़ी है पर बॉडी के ऊपर टाइगर की तरह ऐसे बेल्ट है, तो ये भी एक तरह से लाइगर है, मेल लॉयन क्रॉस विथ फीमेल टाइगर। सो दीज आर सम एक्सेप्शन, ओके। अब हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते फिर इससे, रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग, मतलब रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग, एंड नोन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉन लिविंग कैपेबल नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। सो बायोलॉजी क्या है फिर, सिंपली द स्टडी ऑफ लाइफ, एंड बायोलॉजी इज कंसर्न विद ऑल लिविंग थिंग्स, देर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अभी हम ब्रांचेस की तरफ जाएंगे, एंड एवरी वन इज द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो चलो आज हम कुछ मेन बायोलॉजी के कुछ जो ब्रांचेस है उसके बारे में जानते हैं। सो द प्योर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कौन कौन से, देखो बायोलॉजी का जैसे ही स्टडी आता है नीट के लिए, तो ये चार पांच जो ब्रांच है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बेस है तुम्हारे मेडिकल साइंस का और बायोलॉजी का। तो कौन कौन से मेन ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी तो मैंने आपको बता दिए थे पहले ही दिन, सबसे पहले दिन हमने कौन सी देखी थी ब्रांच, एक तो जूलॉजी देखी थी, मदर ब्रांच प्लस बॉटनी देखी थी, ओके। स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, तो इनसे तो मिलकर बढ़ गया है हमारा बायोलॉजी है ना, प्लांट और एनिमल, पर बाकी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो प्योर ब्रांच कौन सी, एक पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी। लॉजी का मतलब हमेशा याद रखो, लॉजी मीन्स टू स्टडी,
मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। अगर हम किसी एनिमल के बाहर से कैसा दिखता है, उसका लुक कैसा है, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये अगर हम देखेंगे तो वो हो गया मॉर्फोलॉजी। जैसे कोई प्लांट है तो बाहर से प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसके पत्तों का साइज कैसा है, पत्तों की अरेंजमेंट कैसी है, लीफ कैसे है, ओके ब्रांच कैसे है, फ्लावर कैसा है। सो दिस स्टडी ऑफ दिस एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। म्हणजे एखादा प्राणी बाहेरून कसा दिसतो, त्याचं वर्णन कसं आहे, त्याच्यावरून आपण त्याला ओळखू शकतो, त्याला आपण कशाचा स्टडी म्हणायचं, मॉर्फोलॉजी। ठीक आहे, सेकंड ब्रांच आहे ॲनॉटॉमी। अब इसके अपोजिट इंटरनल कैरेक्टर। अगर हम किसी भी एनिमल का सेक्शन लेकर देखते हैं, मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या है, जैसे आपने फिल्म देखी थी मुन्ना भाई MBBS, वहाँ पे स्केलेटन वगैरह रखा है और वो वायरस बोलता है इस साल एनाटॉमी का एक भी लेक्चर नहीं हुआ। एनाटॉमी इंटरनल कैरेक्टर्स, बोन्स कैसे है, अंदर कैसे वर्क करता है, टिश्यू कैसे काम करते हैं, सब कुछ बॉडी के अंदर झांक के देखना, किसी या प्लांट के या फिर एनिमल के, दैट इज एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट ब्रांच व्हाट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि जब तक हम हिस्टोलॉजी का स्टडी नहीं करेंगे, हम किसी एनिमल को जानेंगे नहीं कि वो काम कैसे करता है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है। हिस्टोलॉजी के अंदर आता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू का स्टडी मतलब ही हिस्टोलॉजी। ओके, हिस्टोलॉजी जैसे कि प्लांट को कट करो, जाइलम कैसे है, या सॉरी एनिमल को अगर हम अंदर से देखेंगे तो उसके ऑर्गन कैसे बने हैं, जैसे TS ऑफ ओवरी, TS ऑफ टेस्टिस, ये हिस्टोलॉजी का स्ट्रक्चर हो गया। अंदर काट कर देखना, लीवर को कट करके देखो, टेस्टिस को देखो, ब्रेन को देखो, हिस्टोलॉजी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। साइटो का मतलब होता है सेल, साइको नहीं है, साइको का मतलब वो मेंटल भी हो सकता है। साइटोलॉजी पेशी शास्त्र, स्टडी ऑफ सेल। सेल सेल टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, सबको पता है, पर सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, न्यूक्लियस कैसे काम करते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, देन अनादर सेल बायोलॉजी। एक्चुअली दोनों का मीनिंग एक ही है, सेल फंक्शन। देन नेक्स्ट ब्रांच व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजी, पर्यावरण शास्त्र, स्टडी ऑफ दिस एनवायरमेंट, इकोलॉजी। ओके, सब लोगों को पता है पोल्यूशन कैसे होता है वगैरह वगैरह, धरती, ये इकोलॉजी, व्हाट यू कॉल इन मराठी, पर्यावरण शास्त्र। देन नेक्स्ट ब्रांच व्हाट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, जैसे स्पर्म और ओवा से जायगोट बन गया, जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। जैसे यहाँ आपको पता है कि स्पर्म और ओहा, इनका अगर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट से फिर इसका क्लीवेज होता है, क्लीवेज मतलब दो सेल बन जाएंगे, दो से फिर चार बन जाएंगे, फिर इसका इस तरह से एम्ब्रियो बन जाता है, बच्चा बन जाता है, मतलब 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से एम्ब्रियो बन जाता है। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसकी, व्हाट वी कॉल इन मराठी एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण शास्त्र, गर्भशास्त्र, म्हणजे कसा गर्भाची वाढ होते ते एम्ब्रियोलॉजीमध्ये, बच्चा समजो कैसे बढ रहा है पेट के अंदर 9 महीने, उसकी हर एक दिन के हर एक स्टेप हमें पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच व्हाट इज कॉल्ड एज एन जीनेटिक्स, अनुवंश शास्त्र, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हाउ दे पास फ्रॉम वन टू अनादर जनरेशन, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि डॉगी का बच्चा हमेशा डॉगी रहेगा, ना कि कैट, क्यों, क्योंकि जीन्स कैरी करते हैं। वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, 50-50% हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मैच होते, इट इज ड्यू टू जीन्स। सो स्टडी ऑफ द जीन्स, हेरिडिटी एंड कैरेक्टर्स, स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच व्हाट इज कॉल्ड एज एन जीनेटिक्स। तो ये हम इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर है, हर एक ब्रांच के ऊपर एक आपका एक स्पेशल यूनिट है, चैप्टर है। ओके, देन नेक्स्ट ब्रांच व्हाट इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेमनेंट्स,
पुरातत्व, जैसे आपने डायनासोर की अगर हड्डियां देखी है तो हम उस फॉसिल्स को देखकर पता कर सकते हैं कि उस जमाने में कैसे एनिमल्स थे। मतलब हम अगर फॉसिल्स का स्टडी करेंगे, जीवाश्म, वेरिएशंट एनिमल्स प्लांट्स कैसे थे, दैट स्टडीज पैलियंटोलॉजी। एंड देन नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स प्लांट एंड एनिमल, वर्गीकरण शास्त्र, क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोल सकते शॉर्टकट में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कैसे कोई प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी हमने आज बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस के बारे में देखा।